नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SamsStudy में। आज हम बात करेंगे भारत के इंटरनेशनल बढ़त के बारे में, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। अगर हम इंटरनेशनल बढ़त की बात करेंगे तो भारत कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इमेज में भी देखेंगे। और हम बात करेंगे इसके कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा, हमने डिटेल में समझाया हर चीज़ को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं वाघा बॉर्डर के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1959 में 1959 को इसको बनाया गया था। और दोस्तों वाघा बॉर्डर को हम कहते हैं अतारी वाघा बॉर्डर भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, पंजाब के अमृतसर में। अगर हम वाघा बॉर्डर की बात करेंगे, ये किस किस कंट्री के बीच प्रेजेंट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये प्रेजेंट है वाघा बॉर्डर। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों, 1959 में। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर होता है उसमें BSF जवान तैनात रहते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच BSF जवान तैनात रहते हैं हर दिन हर साल। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं रन ऑफ कच्छ बॉर्डर के बारे में। दोस्तों ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्रेजेंट है, जो कि पड़ता है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होगा। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए इसका नाम हुआ है रन ऑफ कच्छ बॉर्डर। दोस्तों अगर हम इसकी बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थापना और मौर्य और गुप्त एम्पायर का स्थापना भी यहाँ पर हुआ था दोस्तों। और ये बहुत ही पुराना बॉर्डर है, अर्ली न्योलिथिक एज में ऐसा कहना है हिस्टोरियन का, ये बना था रन ऑफ कच्छ बॉर्डर, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और इंडिया पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है कितने किलोमीटर का, 3,330 किलोमीटर का। कितना, 3,330 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया विथ पाकिस्तान। तो इन सारी चीज़ों का आपको याद रखना है। तो रन ऑफ कच्छ बॉर्डर कहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। चलो दोस्तों बात करते हैं नाथुला बॉर्डर के बारे में। दोस्तों इसको ओपन किया गया था 2006 में, और नाथुला बॉर्डर पड़ता है सिक्किम स्टेट के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, सिक्किम स्टेट के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नाथुला बॉर्डर। अगर हम नाथू की बात करेंगे, ये जो प्रेजेंट है नाथुला बॉर्डर, नाथू का मतलब होता है लिसनिंग ईयर और ला का मतलब होता है पास। तो नाथुला का मतलब तिब्बत भाषा में होता है लिसनिंग ईयर पास। अगर हम नाथुला बॉर्डर की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट है इंडिया और चाइना के बीच। और अगर हम नाथुला की और कुछ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये मीन सी लेवल से प्रेजेंट है, 14,140 फीट के यानी कि ऊपर, यानी कि समुद्र के जो समतल से ये 14,140 फीट के ऊपर बनाया गया है नाथुला बॉर्डर को। तो बहुत ही ऊंचाई में ये बनाया गया है बॉर्डर, जो कि इंडिया और चाइना के बीच प्रेजेंट है दोस्तों नाथुला बॉर्डर। चलो दोस्तों बात करते हैं पैंगोंग बॉर्डर के बारे में। दोस्तों ये मेनली एक लेक बॉर्डर है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच प्रेजेंट है। अगर हम पैंगोंग सो लेक की बात करेंगे तो इसका लेंथ कितना है दोस्तों, 134 किलोमीटर का। और ये दोस्तों मीन सी लेवल से 4,225 मीटर के ऊपर बनाया गया है, यानी कि लगभग 14,000 फीट में ये बना है पैंगोंग बॉर्डर, जो कि इंडिया और चाइना के बीच प्रेजेंट है दोस्तों। और पैंगोंग सो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हाई ग्रासलैंड लेक होता है, यानी कि ऊंचाई में बना ग्रासलैंड लेक होता है, यानी कि झील। अगर हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे तो इंडिया 4,348 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और यहाँ पर तैनात रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच ITBP और SFF जवान, साल के हर समय तैनात रहते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर में। तो इन सारी चीज़ों का आपको याद रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों बात करते हैं सोनावली बॉर्डर के बारे में। सोनावली बॉर्डर जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर पड़ता है, भारत के उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है सोनावली बॉर्डर, जो कि दिस बॉर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच सोनावली बॉर्डर प्रेजेंट है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, महाराजगंज में पड़ता है, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश वाले जानते होंगे, महाराजगंज में पड़ता है सोनावली बॉर्डर, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच प्रेजेंट है दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर है दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ,
और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं, भारत किस किस कंट्रियों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो भारत इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रियों के साथ, वो कौन कौन है इसका ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों। पैन MBBC होता है, यानी कि पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल, एम से क्या होता है म्यांमार, बी से होता है भूटान, और बी से होता है बांग्लादेश, और सी से होता है चाइना। तो पैन MBBC आपको याद रखना है। ये है 7 देश जिनके साथ इंडिया इसका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। अगर हम इंडिया की लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो 15,106 किलोमीटर का है लैंड बॉर्डर। अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो कितना है 7,516 किलोमीटर का। और एक चीज़ हम भूल गए थे दोस्तों, इंडिया और जो नेपाल के बीच बॉर्डर है सुनौली बॉर्डर, वहाँ पर सशस्त्र सीमा बल रहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जयगांव बॉर्डर के बारे में। दोस्तों ये प्रेजेंट है इंडिया और भूटान के बीच। तो इंडिया शेयर करता है 699 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर विथ भूटान, इसको याद रखें। और अगर हम जयगांव बॉर्डर की बात करेंगे, ये प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल में, भारत के वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, पश्चिम बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की नई सरकार है। और ये कहाँ पर पड़ता है, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जयगांव जो कि एंट्रेंस पॉइंट है टू भूटान, यानी कि भूटान को अगर आप प्रवेश करना है तो जयगांव को देकर आपको जाना होगा। और भूटान में सबसे लोग ज़्यादा मानते हैं बुद्ध को, आप जानते होंगे। और भूटान जो कि हिमालय के ईस्टर्न एज में पड़ता है। तो मेनली ये कहाँ पर प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में जयगांव बॉर्डर, जो कि एंट्रेंस पॉइंट है टू भूटान। अगर हम इंडिया और नेपाल की इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया विथ नेपाल। चलो दोस्तों बात करते हैं दौकी तंबाली बॉर्डर के बारे में। दोस्तों ये प्रेजेंट है इंडिया के बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट मेघालय में, जो कि वेस्ट जयंतिया हिल्स में पड़ता है ये बॉर्डर। अगर हम इसकी ऑपरेशनलाइज की बात करेंगे, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था फरवरी 2018 को, और लगभग हर दिन 500 ट्रक यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि हर दिन 500 ट्रक आना जाना होता है इस बॉर्डर को देकर, यानी कि क्रॉस करता है। अगर हम इस बॉर्डर की बात करेंगे, दौकी तंबाली बॉर्डर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच प्रेजेंट है, और भारत सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि लगभग 4,093 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। भारत सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश देश के साथ। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों, दौकी तंबाली बॉर्डर जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच पड़ता है। चलो दोस्तों बात करते हैं मोरे बॉर्डर के बारे में। तो ये प्रेजेंट है इंडिया और म्यांमार के बीच। म्यांमार का पुराना नाम क्या था दोस्तों, बर्मा था, आपको याद रखना है। अगर हम मोरे बॉर्डर की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट है मणिपुर स्टेट में। इसका टोटल लेंथ कितना है, 1468 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। तो 912 माइल का यह टोटल लेंथ है मोरे बॉर्डर का, जो कि पड़ता है मणिपुर में। और इसका परमिशन दोस्तों कब किया गया था, 1967 में, 1967 को इसको बनाया गया था। और अगर हम म्यांमार की बात करेंगे तो पुराना नाम था इसका बर्मा, इसको याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछता है। अगर हम बात करेंगे मोरे बॉर्डर की, यहाँ पर साल के हर समय इंडियन आर्मी और असम राइफल्स तैनात रहते हैं दोस्तों, इसको याद रखें। तो मोरे बॉर्डर का फॉर्मेशन कब किया गया था, 1969 में, जो कि प्रेजेंट है इंडिया और म्यांमार के बीच। चलिए बात करते हैं धनुषकोडी बॉर्डर के बारे में। तो दोस्तों ये बॉर्डर प्रेजेंट है तमिलनाडु के पंबन आइलैंड में। तो धनुषकोडी टाउन वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द 1964 रामेश्वरम साइक्लोन, जो कि बहुत ही बड़ा एक साइक्लोन आया था रामेश्वरम साइक्लोन 1964 में, जो कि टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था धनुषकोडी टाउन को, जो कि धनुषकोडी बॉर्डर यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे धनुषकोडी बॉर्डर की, ये प्रेजेंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच। दिस इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इन सारी चीज़ों का आपको याद रखना है दोस्तों। तो धनुषकोडी बॉर्डर पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, इतना ही याद रखिए दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, लगभग 4000 जो कि 93 किलोमीटर का लेंथ वाला बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो इन सारी चीज़ों का आपको याद रखना है। और सबसे कम जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है
अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर का। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर रखें इस वीडियो को एक दिन के लिए। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर जरूर रखिए। इसका कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आता है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि दुनिया का सबसे पहला नानो वीडियो के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।